हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना कॉस्ट आता है और आप किन किन प्राइजों से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो और कौन सा प्राइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको क्लिनिक में एक प्राइस दिया जाता है कि 20 रुपये पर ग्राफ, 25 रुपये पर ग्राफ या 30 रुपये पर ग्राफ। तो गाइज, अगर आपको प्राइस बताता है तो यहाँ बार्गलिंग होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको एक प्राइस जो दे देता है उसी को आपको मान के चलना है कि उतना ही आपको लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बार्गलिंग करोगे तो बार्गलिंग हो जाएगा। हो सकता है वो 20 अगर बोले तो आपका 15 में ही हो जाए काम या 14 में हो जाए। तो अभी जितना भी क्लिनिक है वो सोचता है कि थोड़ा ज्यादा अर्निंग करे, तो इसीलिए क्लिनिक वाला थोड़ा ज्यादा रेट बताता है कि आप थोड़ा बार्गलिंग करोगे तो कम करके ज्यादा कम ना हो और उनको भी ज्यादा झटका ना पड़े और आपका भी पॉकेट में ज्यादा लोड ना आए। तो इसके लिए गाइज, और सिटी पे भी डिपेंड कर जाता है कि अगर आप बाहर कोई बड़ा सिटी से करवाते हो तो वहाँ पे कॉस्ट जो रहता है क्लिनिक, जो जितना एरिया में है क्लिनिक, तो उस कॉस्ट के हिसाब से आपसे प्राइस लिया जाता है, क्योंकि वहाँ का रेंट भी तो भरना होता है और वहाँ का वर्कर को पैसा भी देना होता है जो जो क्लिनिक में रहते हैं। तो इसके वजह से प्राइस ज़्यादा कम बेसी हो जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब, और आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जहाँ कम करे वहीं से ही आप ट्रांसप्लांट करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप वैसा जगह से अगर करते हो पैसे के लिए तो आपका ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा। अगर आपको सही क्लिनिक से अगर ट्रांसप्लांट करना है तो कोई एक यूट्यूबर को आप पकड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपने से खुद से, अगर कोई फेक यूट्यूबर अगर आपको बताता कि इस क्लिनिक से आप अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करते हो और वो सिर्फ आप पैसा कहीं, जैसे आपको एक अनुमान में बता दूं कि 50,000 आपको एक रेट प्राइस बताता है कि इतना में आपका टोटल हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप एक यूट्यूबर से बात करते हो कि ऐसा ऐसा इतना इस क्लिनिक ने मुझे प्राइस बताया है, 50,000 टारगेट दिया है, तो आपको अगर वो बोलता है कि नहीं मैं 30 में ही करवा दूंगा, तो ये पैसे के चक्कर में आप नहीं जाना, क्योंकि ये कमीशन बंधा हुआ रहता है यूट्यूबर से। तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप खुद से आगे क्लिनिक देखें कि उसका क्लिनिक वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके बाद ही उससे उस क्लिनिक से आप ट्रांसप्लांट करें। ऐसा नहीं कि यूट्यूबर बोल दिया था आप वहीं से जाके ट्रांसप्लांट करो, खुद से भी देखना है आपको, तभी आपका पैसा भी कम लगेगा और फिर जाके आपका ट्रांसप्लांट भी सक्सेस होगा और आपका अच्छा हेयर ग्रो होगा, डेंसिटी अच्छा आएगा और आप पहले जैसे दिखने लगोगे। तो होप यू गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।